लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। जी हां, लेकिन आपको बता दें कि मतदान शुरू होने से पहले ही बंगाल के झारग्राम में भाजपा बूथ कार्यकर्ता मृत मिला है। मृत व्यक्ति का नाम रामेन सिंह बताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के अलावा एक टीएमसी कार्यकर्ता का भी शव बरामद किया गया है। तो वहीं 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गोली भी मार दी गई है। बंगाल में वोटिंग होने के साथ साथ हिंसा का दौर भी लगातार अपने चरम पर है। मिदनापुर में भी 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई है। आपको बता दें कि दोनों कार्यकर्ताओं को तमलुक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो वहीं बेलदा के टीएमसी कार्यालय पर भी हमला किया गया है। टीएमसी का आरोप है कि यह हमला बीजेपी ने करवाया है। बंगाल की बहुचर्चित पूर्व आईपीएस ऑफिसर और घाटल सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारती घोष ने आरोप लगाया है कि केशपुर में टीएमसी